आप सबको मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में हलवाई जैसी क्रिस्पी जलेबी 20 मिनट में घर पर बना के दिखाऊंगा। जलेबी बनाने के लिए मैंने पहले एक गहरे बर्तन में चाशनी बनाने के लिए 1.5 गिलास पानी लिया है। साथ में मैं इसमें 1 किलो चीनी डालूंगा। आप अपने हिसाब से चाशनी कम या ज़्यादा बना सकते हैं। अब मैं इसको गैस पर रख देता हूँ। मैं इसको तब तक गर्म करूँगा जब तक चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। चीनी लगभग 5 से 7 मिनट में घुल जाएगी। उतने में मैं जलेबी बनाने के लिए मैदा का बैटर तैयार करता हूँ। मैं पहले एक बड़े बॉल में 1 गिलास पानी डालूँगा। मैंने पानी के बीच थोड़ा सा रेड कलर डाला है। मैं कलर को पानी के बीच अच्छी तरह से मिला दूंगा। इसके बाद मैं इसमें 1/2 किलो मैदा डालूंगा। मैदा के बाद मैं इसमें 3 चम्मच बेसन डालूंगा और 1/4 चम्मच मीठा सोडा भी डालूंगा। अब मैं मैदे को अच्छी तरह से मिला दूंगा। आप मैदे को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाएं। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगा, साथ में थोड़ा सा कलर भी डालूंगा। कलर के बाद मैं इसको फिर से अच्छी तरह से मिला दूंगा ताकि कलर इसमें अच्छी तरह से मिल जाए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैटर कितना अच्छा बन गया है। चलिए अब जलेबी बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास चाशनी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको साइड में निकाल कर रख देता हूँ। जलेबी बनाने के लिए मैं फ्राई पैन को गैस पर रख देता हूँ। मैं इसमें लगभग 250 ग्राम तेल डालूंगा। आप फ्राई पैन की जगह कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास सीधी कढ़ाई नहीं थी, इसीलिए मैंने फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। मेरे पास तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जलेबी डालना शुरू कर देता हूँ। आप जलेबी बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल का जो बैग होता है, मैंने उसका टुकड़ा काटकर जलेबी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। आप जलेबी को साथ साथ में दूसरी तरफ भी पलट दें ताकि जलेबी दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब मैं जलेबी को निकालकर चाशनी के बीच डालता हूँ। आप जलेबी को चाशनी के बीच डुबोकर तुरंत बाहर निकाल सकते हैं। मेरे पास जो जलेबी बनाने का बैटर है, मैं इस बैटर की इसी तरह से जलेबी बना देता हूँ। आप देखते रहे कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ। साथ साथ में मैं इसको चाशनी के बीच डुबोकर बाहर निकालता रहूँगा। मेरे पास जलेबी बनकर तैयार हो चुकी है। जलेबी बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर 15 से 20 मिनट का ही समय लगा है। आप भी इस तरह की क्रिस्पी जलेबी अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को 1 लाइक, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।